हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीटेट का जो पासिंग मार्क है। अभी भी बहुत सारे लोगों के मैसेज कॉल आ रहे हैं, सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं पास हूँ कि नहीं हूँ, इतने मार्क्स हैं मेरे, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ या मैं एससी कैटेगरी से हूँ या मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, कितने नंबर पर पास हूँ, मुझे अभी तक कन्फ्यूज़न है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी तक कन्फ्यूज़न जो बना हुआ है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि जनरल में जो है 60% मार्क्स के क्वालिफाई हैं, जिसके लिए आपको चाहिए 90 मार्क्स। तो जनरल में जिसके भी 150 में से 90 मार्क्स आए हैं, वो सभी क्वालिफाइड हैं, वो सभी पास है इस एग्ज़ाम में। इसके अलावा ओबीसी, एससी और एसटी तीनों कैटेगरी के लिए सेम परसेंटेज रखी गई है, जो है 55%। तो 82 जिनके अभी मार्क्स हैं, वो सभी इसमें क्वालिफाई हैं। तो ये है आपका 2018 का। और लोग कन्फ्यूज़ क्यों हैं, क्योंकि जो 2017 का था वो मार्क्स ज़्यादा थे। चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये है 2017 का। इसमें क्या था, इसमें था आपका जनरल कैटेगरी के लिए 87, ओबीसी के लिए 85 और एससी एसटी के लिए 80। तो अभी ये कन्फ्यूज़न आई थिंक आपका दूर हो गया होगा। तो जो था कट ऑफ जिसमें 85 में लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, वो था 2017 का। और जो भी 2018 का है, उसमें है आपका 82 मार्क्स, जिसके भी बच्चे के एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में 82 मार्क्स हैं, वो इसमें पास हैं। और जो भी जनरल कैटेगरी जिसके 90 मार्क्स हैं, वो इसमें पास हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच।